खबर पलामू से है, जहां पर रविवार को पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता अधिकार मंच महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 85 जातियों का आगमन हुआ। सर्वप्रथम ओबीसी पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन आयोजन को अतिथियों के द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, महात्मा गांधी जैसे कई देशभक्त पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया व कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। यहाँ पर लाल सूरज ने कहा कि जाति आधारित जनगणना कराकर जनसंख्या के अनुपात में पिछड़ा वर्ग ओबीसी को पुरुष एवं महिला राजनीति की हिस्सेदारी एवं भागीदारी सुनिश्चित की जाए। वहीं उन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रिपोर्ट जारी किया जाए। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि जनसंख्या के हिसाब से सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्थान में 52% आरक्षण की व्यवस्था हो। पिछड़ा वर्ग ओबीसी शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 10,000 मासिक बेरोजगारी भत्ता की व्यवस्था की जाए एवं किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। इसके साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग ओबीसी के सहयोग द्वारा दिए गए कर जीएसटी इनकम टैक्स के अनुपात में 50 वर्ष में पेंशन की व्यवस्था की जाए। उसी दरमियान रामदास साहू ने कहा कि पिछड़ा वर्ग ओबीसी की लूटी गई जमीन जायदाद को उन्हें वापस किया जाए। हाउसिंग कॉलोनी में ओबीसी समाज का पूरे पलामू प्रमंडल का एक बैठक आयोजन किया गया था। उसमें हम लोग दूर दराज पूरे पलामू के ओबीसी परिवार को आमंत्रित करके यहाँ बुलाए थे। सभी आए हैं और सभी यहाँ पर अपना उपस्थिति दर्ज किए। हम लोग यहाँ पर एक सूत्र में बंधने के लिए आए थे और एक सूत्र में बंध करके ओबीसी जो हमारा जितना आबादी है, जितना हमारा पॉपुलेशन है, उसके अनुपात में हर जगह अपनी स्थान को मांगने के लिए यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए थे और हुए भी। हमारा उपस्थिति भी यहाँ रहा और हम लोग सभी ने मिल करके एक सूत्र में बंद करके अपनी मांग को रखे हैं आज के दिन में। और यह आज की जो मांग है ये अंतिम नहीं है, ये हम लोग आखिरी दम तक इसको मांगते रहेंगे जब तक हम लोगों को यह मांग पूरा नहीं हो जाता है। और ओबीसी परिवार इस लड़ाई को बरकरार रखेगा। और आज के दिन ओबीसी परिवार हम लोग यहाँ पर आए हुए थे, कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ, कुछ मंच पर कुछ व्यक्तियों ने ओबीसी को हाईजेक करने का प्रयास किया, उससे मुझे दुख हुआ है, मुझे अपमान महसूस हुआ है, इसलिए मैं कुछ बोला हूँ। उसके लिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि उस बात को ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भूल हुआ है तो भविष्य में भूल नहीं होगा शायद, संभवतः, यही उम्मीद करता हूँ। और ओबीसी सारे परिवार हम लोग एक परिवार का हक से जो मजबूती जुटे यहाँ लोग, जिस समय हमारी से हमारा अधिकार मिलेगा, सब लोगों ने परिचय देकर इस अभियान का शुरुआत किया से। यह अभियान झारखंड होते हुए पूरे देश में चलने का, यह जो हमारा 1100 मांग है, चाहे वह जाति रहे जनगणना करा करके हमको आरक्षण का मांग हो, चाहे व्यवसायों को पेंशन की बात हो जीएसटी के अनुपात में, या उनकी सुरक्षा की बात हो, या हमारे नौजवान साथियों को रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, या तमाम हमारे निःशुल्क शिक्षा की बात हो, या हमारी माताएं बहने के लिए निःशुल्क छात्रावास की व्यवस्था की बात हो, हमने 1100 मांग में शामिल किया है। और यह 1100 मांग हमारे सामने नहीं होता है, सरकार नहीं मानती है, तो हम लोगों ने 65% की आबादी लोग एकजुट होकर के, और जो सरकार नहीं मानेंगे हमारी मांगों को उसको उठा कर फेंकेंगे, जो हमारी मांगों को मानेगी उसको बैठाने का काम करेंगे, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। ओबीसी परिवार 3473 जातियाँ पूरे देश में रहते हैं, और झारखंड में लगभग 174 जातियाँ रहती हैं। ग्रामीण प्रमंडल में 85 जातियाँ निवास करते हैं, उन लोगों का सबका यहाँ पर उपस्थिति हुआ, तभी इतनी लंबी वक्ता देखे हुए। 100 वक्ता हमारे समाज तमाम समाज से हैं, इसीलिए हमारे आने वाले सहयोग है वो बहुत समय तक 10 बजे से 4 बजे तक अपनी बात को सुने और समझ। पलामू से राजीव सोनी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।